धर्म की नगरी काशी में मंगलवार को गंगा घाट पर स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाई। कहते हैं कि माघ पूर्णिमा के नहान का विशेष महत्व होता है। यही वजह है कि जो श्रद्धालु संगम में स्नान नहीं कर पाते हैं वो काशी में स्नान दान कर पुण्य कमाते हैं। ऐसा है कि मान्यता भैया देखिए ये है कि ये है माघी पूर्णिमा, ठीक है। ये जो है एक महीना भगवान विष्णु का पूजन का ये महत्व है, जिस तरह कार्तिक में होता है उस तरह माघ में भी होता है। और इसमें माघ पर्यंत लोग जो है भगवान को जो पहला फसल होता है, अन्न हो, मिष्टान्न हो, तिल हो, गुड़ हो, जो भी हो, वो भगवान को अर्पण करते हैं। अर्पण करने के बाद उसका पूरे महीने उसी का सेवन करते हैं। कायदे से माघ मास में तिल का तेल लगाना, तिल ही खाना, तिल से ही स्नान, तिल का ही दान, ये इसका विशेष महत्वपूर्ण है। ये भगवान विष्णु को प्रसन्न है और जो ऐसा करता है पूरे महीने उसको साक्षात भगवान अपने विष्णु लोक में स्थान देते हैं। चूँकि इस कलिकाल में कोई कर नहीं पाता, शायद बिरले करते हों, और इसलिए इस माघी पूर्णिमा का ये आज आखिरी दिन है भगवान विष्णु के नाम से स्नान दान का। और इसमें सोने में सुहागा है कि जो इस वर्ष अर्ध कुंभ लगा, जिसे हमारी सरकार ने महाकुंभ घोषित किया है, और इस सोने के सुहागा में कुंभ का भी महत्व है और माघ पूर्णिमा के स्नान का भी महत्व है। और ये प्रयाग घाट है, जो इंसान इलाहाबाद प्रयाग नहीं जा पाता, अगर एक मास यहाँ प्रयाग घाट पर स्नान करता है तो प्रयाग तीर्थ स्थान का फल प्राप्त होता है। आज माघ का स्नान है, कहा गया है माघ का स्नान बहुत पुण्यदायक होता है और तिल के साथ स्नान किया जाए, तिल लगाकर स्नान किया जाए तो माघ के महीने का स्नान का बहुत ही लाभ है। जिस तरह कहा गया कि अनंत कोटि यज्ञ करने का जो फल है वो आज माघ के स्नान करने का फल है। आज माघ के महीने में जो इलाहाबाद में प्रयागराज जी में कुंभ लगता है उसकी आज पूर्णाहुति होती है। सभी देवता एक महीने कल्पवास करते हैं, देव का रूप, देव जो है मनुष्य का रूप धारण करके, जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो देवता भी तरसते हैं मनुष्य का जीवन मिले, और मनुष्य योनि लेकर के एक महीने कल्पवास करते हैं और आज के ही दिन स्नान करके फिर स्वर्ग में अपने अपने स्थान को प्रस्थान करते हैं।